तो अब मैं कल आपको एक क्वेश्चन दिया था दैट क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू वट क्वेश्चन फ्रॉम माई टेक्स्ट बुक सो लेट सी रेक्टिफाई दरअर्स क्रेडिट परचे रघु रूपीज ट्वेंटी थाउजेंड वर नॉट रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेसेस फ्रॉम रघु रूपीज ट्वेंटी थाउजेंड वर नॉट रिकॉर्डेड जब ऐसी ट्रांजेक्शन है तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आपने क्या की मुझे बताइए so, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पहले वाली की ऐसे आई हाँ होगी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आपने की होगी क्रेडिट परचेसेस तो परचेसेस टू रघु की क्या परचेसेस टू रघु करनी पड़ेगी तो पहले वाली की एंट्री क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री रघु एग्री अप्रिशिएट दिस नाउ लेट्स गो ऑन सो फर्स्ट वाला तो इ्जी था वर नॉट रिकॉर्डेड मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई नहीं दूसरी वाली रिकॉर्डेड टेन थाउजेंड बेटा जी कितने का अमाउंट था ट्वेंटी थाउजेंड आपको कितने से रिकॉर्ड करना था आपको कितने से रिकॉर्ड करना था टेन थाउजेंड का रिकॉर्डेड है दूसरे वाले की रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी बेटा जी फर्स्ट वन है सेकेंड वन की रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी परचेसेस टू रघु कितना आएगा बेटा जी थाउजेंड टेन थाउजेंड अप्रिशिएट दिस लेट्स गो हेड एंड टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट विकॉर्डेड एज रूपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विकॉर्डेड एज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मतलब क्या एक्सेस रिकॉर्ड हो गया क्या एक्सेस रिकॉर्ड हो गया तो बेटा जी हमको इसको रिवर्स करना पड़ेगा क्या एंट्री आएगी थर्ड वन रघु टू परचेसेस कैन आई नॉट कॉलिड एज फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड रघु टू परचेस हाउ मच विल आई कॉल एज फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड नेक्स्ट वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट बेटा ये सिंगल साइड एरर है वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट सिंगल साइड एरर है सो so, बेटा जी जब पोस्टेड शब्द आता है तब मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू मेक थ्री एंट्रीज सो करेक्ट एंट्री होगी परचेसेस टू रघु अमाउंट है ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड रॉन्ग एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट ट्वेंटी थाउजेंड बट बेटा जी क्रेडिट में नहीं गया नो एंट्री क्योंकि क्या बोला बेटा जी वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट नॉट पोस्टेड टू हिस्स अकाउंट मतलब यहां पर ही कौन है ही इज हीज अकाउंट मतलब कौन है रघु सो so, बेटा नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट तो यह नीलाएगा सो बेटा जी रेक्टिफिकेशन तो so, एंट्री कैसे आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट क्योंकि बेटा जी यहां पर आपका अमाउंट आएगा ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड सस्पेंस टू रघु ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार एग्रीड सस्पेंस टू रघु अकाउंट आया ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड लेट्स गो ऑन एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इस केस में आपको यह ध्यान में रखना था कि क्रेडिट नहीं हुआ और जब भी मैंने आपको बोला डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड हो तब आपने क्या करना है बेटा जी कि आपने क्ट रॉन्ग और एक्टिफिकेशन एंट्री से ही आंसर जुड़ाना है वो आर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज टू थाउजेंड अब इसकी जल्दी से मुझे एंट्री बताओ फिफ्थ वाले की बिल्कुल सही सस्पेंस टू रघु एटीन बेटा जी मैं फिफ्थ की एंट्री डायरेक्टली लिख रहा हूं उसके अंदर भी वर्ड आएगा परचेसेस टू रघु ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड रॉन्ग एंट्री आ जाएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट परचेसेस आएगा ट्वेंटी थाउजेंड रघु आएगा कितना कैन आई नॉट से इट विज टू थाउजेंड एग्रीड सो बेटा जी अब इस केस में रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी तो परचेसेस तो बराबर गया है तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट टू रघु आई विल हैव टू राइट डाउन द अमाउंट एज एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड उन द अमाउंट एटीन थाउजेंड एटीन थाउज एग्रीट गोइंग अहेड नाउ नेक्स्ट वोस्टेड टू रेघाव अकाउंट वोस्टेड टू रेघाव अकाउंट अब राघव था बट पोस्टिंग किधर हो गई रेघाव के सो बेटा जी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी देखो मैं बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं मार रहा हूं आपने भी शॉर्टकट नहीं मारना है एंट्री आएगी परचेसेस टू रघु कितनी अमाउंट आएगी विल राइट डाउन ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड रॉन्ग एंट्री क्या आ जाएगी परचेसेस टू रेघव यह ट्वेंटी थाउजेंड जाएगा बट रेघव को कितना जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड अब बेटा जी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करोगे आप इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे आप क्या रेघव टू रघु कितना कर देंगे ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड बोलो समझ में आ गया ये रेघा टू रघु ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड एप्रिशिएट दिस ऑल राइट ऑल राइट कैन वी गो एट नाउ नाउ वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रघु अकाउंट प्लीज ध्यान से देखना वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रघु अकाउंट बेटा जी अगर सब्सिडी बुक में एरर होता तो रिकॉर्डेड शब्द आता रिकॉर्डेड शब्द नहीं है उन्होंने बोला वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रघु अकाउंट सो वट इज द करेक्ट अकाउंट करेक्ट एंट्री फॉर दिस कैन आई नॉट से परचेज टू रघु ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड रॉन्ग एंट्री क्या हो गई रॉन्ग एंट्री हो गई बेटा जी परचेस अकाउंट डेबिट ट्वेंटी थाउजेंड Uh, किसको डेबिट किया बेटा जी रघु अकाउंट को ही क्या कर दिया उन्होंने रघु अकाउंट को क्या कर दिया उन्होंने डेबिट टू नो क्रेडिट अब अगर मुझे इसका रेक्टिफिकेशन करना है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी बेटा जी परचेस तो बराबर गया रघु को क्रेडिट होना चाहिए था बट हो गया डेबिट तो हम करेंगे टू रघु अकाउंट फोर्टी थाउजेंड

ट्स गो ऑन एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राघव अकाउंट अब यह रघु नहीं है क्या है राघव है सो बेटा जी वॉट वुड बी द करेक्ट एंट्री परचेसेस टू रघु परचेसेस टू रघु हम कितना बोलेंगे आई विल राइट डाउन ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड बरबर है ना वॉट इज द रॉन्ग एंट्री वी हैचेस अकाउंट डेबिट ट्वेंटी थाउजेंड और राघव अकाउंट को डेबिट हुआ है राघव अकाउंट को डेबिट हुआ है ट्वेंटी थाउजेंड टू नो क्रेडिट एग्रीड। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा सो so, बेटा जी जो राघव है उसको डेबिट हुआ है तो उसको क्रेडिट तो करना पड़ेगा टू राघव ट्वेंटी थाउजेंड और सही में किसको जानी चाहिए थी टू रघु अकाउंट ट्वेंटी थाउजेंड और जिसका कोई नहीं उसका कौन है सस्पेंस अकाउंट तो हमारी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट फोर्टी थाउजेंड टू राघव टू रघु एप्रिशिएट दिस

सेल्स अकाउंट डेबिट ट्वेंटी थाउजेंड टू सस्पेंस अकाउंट नहीं टू इसमें आएगा टू रघु अकाउंट फोर्टी थाउजेंड कल मैंने शॉर्टकट बताया था कितने बच्चों की सारी एंट्रीज बराबर आई मुझे बताओ कितने बच्चों की सारी एंट्रीज बराबर आई मुझे जल्दी से बताओ यस yes. ये क्वेश्चन आया था बेटा जी टेन मार्क्स के लिए यह क्वेश्चन आया था बेटा जी टेन मार्क्स के लिए नवंबर में ही आया था ओके okay? कोई बात नहीं अभी हम एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या होता है तो मिस्टर जोशीज ट्रायल बैलेंस एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी डिड नॉट एग्री The difference was put to the suspense account. During the next trading period, the following errors were discovered. So now, my dear friend, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सोल्व करते बताऊंगा फिर आज सस्पेंस अकाउंट के बारे में भी कुछ चर्चाएं करेंगे और फिर लास्ट में टाइप्स ऑफ एर देखेंगे और कुछ और क्वेश्चन हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो जरा सुनो the total of purchase बुक ऑफ वन पेज रुपीज फाइव सिक्स वन फाइव वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एस सिक्स फाइव फाइव वन मुझे कैलकुलेटर दे तो किस बच्चे को समझ में आ रहा है कि इधर क्या हुआ है जो मैंने आपको एरर सिखाया उसमें से ये कौन से टाइप के एरर से ये सॉल्व हो सकता है ये कौन से तरीके से एरर सॉल्व हो सकता है मुझे बताइए ये कौन सा एरर है द टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑफ वन पेज वॉज फाइव सिक्स वन फाइव वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज सिक्स फाइव फाइव वन सो आप मुझे सोच के बताइए कि क्या करना पड़ेगा इसमें वट ऑल वील हैव टू डू चलो जल्दी से बताओ मुझे वेरी गुड कास्टिंग एरर ओवरकास्ट बिल्कुल सही कि 5615 का 6551 हुआ है सो so, कितने से ज्यादा हुआ है 6551 फाइव माइनस फाइव सो कैन आई नॉट से 936 से परचेस बुक इज ओवर आई रिपीट 936 से परचेस बुक इज ओवर इसकी पहले वाले की रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी बेटा जी जो मैं नवंबर 20 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ नवंबर 2020 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, सो so, इसकी पहले की एंट्री आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट ठीक है अभी ये फाइनल आंसर नहीं है ये फाइनल आंसर नहीं है 936 936 दिस इज नॉट द फाइनल आंसर फाइनल आंसर इधर आएगा फाइनल आंसर इधर आएगा अभी आप सुन रहे हो सिर्फ कि भाई जी ये जो है ना दिस इज ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री बट यहां पर फाइनल आंसर आएगा तो चिंता मत करिए ठीक है सो आई होप आपने ये किया बराबर से सस्पेंस टू परचेस बिल्कुल सही अब आगे बढ़ते अ सेल ऑफ वन वॉज एंटर्ड इन द बुक इन द सेल्स बुक एज एट एंड पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ कस्टमर तो मुझे बताओ एंटर्ड हुआ सेल्स बुक में कितना एट सेल्स की एंट्री क्या होती है सेल्स की एंट्री क्या होती है मैंने कहा था कि जब भी पोस्टेड वर्ड आए तब आपको समझ जाना है कि बेटा जी जो आपको करेक्ट रॉन्ग और एक्टिवेशन एंट्री करनी पड़ेगी सो so बेटा जी मैं आपको बताता हूं सेल ऑफ 281 एटी वन वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज एट ट्वेंटी वन एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर सो लेट मी एक्सप्लेन यू वॉट एज हैपेड इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कस्टमर टू सेल्स customer to sales account can i not say the amount should be 281 281 and 281 hai kya? customer to sales i will say that the amount should be 281 and 281 Now bada abu nane was entered in the sales book as rupees 821 821 so can i not say उिटूट टू सेल्स अकाउंट हो गया ए ट्वेंटी वन ये रॉन्ग एंट्री है एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर सो कस्टमर अकाउंट डेबिट आई शैल राइट डाउन ए ट्वेंटी वन अब बेटा मैंने ए ट्वेंटी वन क्यों लिखा क्योंकि बेटा जी इसके अंदर शब्द क्या है एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर अकाउंट तो कस्टमर अकाउंट में भी मेरे हिसाब से उन्होंने ए ट्वेंटी वन ही लिखा होगा एग्रीड सो so, हुआ क्या कि उन्होंने कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया और सेल्स को भी क्या कर दिया क्रेडिट अब मुझे बताओ इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी इसकी ये रॉन्ग एंट्री होगी अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए एकदम सिंपल है मेरे बाबू आपको क्या करना पड़ेगा पहले कस्टमर को डेबिट करना पड़ेगा कस्टमर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा कितने से डेबिट करना पड़ेगा सो so, बेटा 281 प्लस 821 ट्वेंटी वन सो कितना आ जाएगा वन वन जीरो टू वन वन जीरो टू और जो सेल्स को क्रेडिट हुआ है सेल्स को क्रेडिट हुआ है दोनों तरफ क्रेडिट हुआ है सो बेटा जी सेल्स को क्रेडिट कितना हो गया ज्यादा हो गया सो कैन आई नॉट से टू एटी वन माइनस एट ट्वेंटी वन सो बेटा जी क्या सेल्स अकाउंट डेबिट फाइव फोर्टी और जिसका कोई नहीं उसका कौन है सस्पेंस अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट में कितना चला जाएगा बेटा जी वन वन जीरो नहीं लगता किसी को इश्यू है कस्टमर टू सेल्स फिर जैसा उन्होंने बोला वैसा मैंने किया उन्होंने कहा एंटर्ड इन द सेल्स बुक मतलब सेल्स बुक में अमाउंट गई होगी एट ट्वेंटी वन और फिर उन्होंने कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया ऐसा बोला मैंने बोला पोस्टेड जब भी हो करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी तो तुमने कस्टमर को भी कर दिया एट ट्वेंटी वन और रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी बेटा जी कस्टमर अकाउंट डेबिट वन वन जीरो छोटा सा कंफ्यूजन और आ सकता है उसके बारे में चर्चा करूंगा पहले मुझे बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं इसमें एक और छोटा सा कंफ्यूजन आ सकता है Have you people understood so far? जल्दी से मुझे बताइए तो इसकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है कस्टमर सेल्स टू वॉट सस्पेंस अकाउंट देखते किस बच्चे ने बताया क्लियर ओके सजेस्टेड नहीं है अब इसमें कंफ्यूजन क्या है सर कस्टमर अमाउंट कैसा है कस्टमर का अमाउंट कैसा है बेटा जी डेबिट होना चाहिए था टू एटी वन और क्रेडिट हो गया एट ट्वेंटी वन सो हमने क्या किया अमाउंट इज

ये यह यहां तक क्लियर है कि सेल्स बुक में तो 281 एटी वन गया अ सॉरी ऑफ टू एटी वन वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज रूपीज एट ट्वेंटी वन एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर अब बेटा जी क्रेडिट ऑफ कस्टमर में कितना गया एट ट्वेंटी वन गया या टू एटी वन गया दैट वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट सो मैंने ये अज्यूम किया कि वो कितना गया है एट ट्वेंटी वन गया है दिस इज वॉट आई हैव बट आपकी क्वेरी बिल्कुल सही है इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको टू एटी वन लिखना पड़े राइट right, कस्टमर को 281 अब इसके लिए हमें सजेस्टेड का वेट करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली सजेस्टेड ने आ, क्या सोचकर एंट्री की है बट यहां पर जो मैं बता रहा हूं कि कस्टमर अकाउंट में कितने अमाउंट है बताया नहीं है उन्होंने ऐसा बताया कि एरर हुआ एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर अकाउंट अब पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर कैन ऑल्सो बिकम टू और इट कैन बी विद रॉन्ग अमाउंट ऑल्सो एग्रीड यस टू बी राइट ए नोट येस यू कैन राइट ए नोट बट आई वुड प्रेफर दैट की वी विल वेट फॉर द सजेस्टेड आंसर टू कम और इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन एग्जामिनर ने कैसे किया वो समझ लाए और उसके बेसिस पर हम अगले हमारे आंसर्स बनाएंगे सो so, मुझे लगता है कि हमको इसके लिए सजेस्टेड के लिए वेट करना पड़ेगा बट ये दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होंगे क्योंकि तुम मुझे बताओ मैं कुछ गलत सोच रहा हूं अगर तुम्हारे और मेरे इंटरप्रिटेशन में कुछ गड़बड़ है तो तुम मुझे बताओ राइट सो कैन वी गो एट यस नैनसी बंसल जी अगर पोस्टेड की जगह पे एंटर्ड वर्ड होता तो भी आई विल गो एड एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू यू नाउ समथिंग टू क्रेडिटर रुपीज टू नाइनटी फाइव वॉज एंटर्ड इन द रिटर्न इन वर्ड बुक हाउ अवर क्रेडिटर अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड बेटा जी जब यह पोस्टेड वर्ड आया तो मुझे क्या करना पड़ता है बेटा जी आई हैव टू मेक द करेक्ट रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री तो मुझे बताओ रिटर्न टू क्रेडिटर टू नाइनटी फाइव इसकी एंट्री क्या होगी मुझे बताइए आपने रिटर्न किया है तो ये कौन सी एंट्री हुई आपकी परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न क्रेडिटर किससे बनता है परचेस से सो बेटा जी रिटर्न टू क्रेडिटर मतलब कौन सा होगा परचेस रिटर्न सो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी क्या क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न कितनी अमाउंट होनी चाहिए थी एक्सक्यूज मी क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न कितनी अमाउंट होनी चाहिए थी आई बिलीव इट शुड बी 295 एंड 295 व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री दे हैव पास्ट उन्होंने ये बताया इन द रिटर्न इनवर्ड बुक रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब कौन सी रिटर्न हो गई बेटा जी दिस इज सेल्स रिटर्न बुक यस और नो सेल्स रिटर्न बुक मतलब हमारी एंट्री हो गई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हमारी एंट्री हो गई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट सेल्स रिटर्न बट उन्होंने यह कहा है कि क्रेडिटर बराबर से पोस्टिंग हुआ है सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कैन आई नॉट राइट डाउन 295 और यह भी आ जाएगा 295 अब अगर इसको रेक्टिफाई करना है तो so हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी टू परचेस रिटर्न टू नो क्रेडिट आया इधर रॉन्ग एंट्री में सिर्फ डेबिट ही हुआ है एग्रीड ये डेबिट और ये भी डेबिट सो so अब रेक्टिफिकेशन एंट्री में टू परचेस रिटर्न कितना आ जाएगा टू एंड टू सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न आ जाएगा टू फाइव कैसे पता किया परचेस रिटर्न को क्रेडिट है क्रेडिट दिया और सेल्स रिटर्न को डेबिट है उसको उल्टा किया टू नाइनटी फाइव क्रेडिट किया और डेबिट में क्या डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट हाउ मच आई शेल राइट डाउन टू नाइनटी फाइव प्लस टू नाइनटी फाइव इट शेल बी फाइव नाइनटी फाइव ऑल अंडरस्टूड दिस suspense to purchase return to sales return account appreciate this let's go on rectification of error i hope you have understood third now let's read the next cash received from senu 895 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेतु अकाउंट मैंने आपको बताया पोस्टेड शब्द आया कि आपको क्या करना पड़ता है बेटा जी करेक्ट रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री सो वॉट शुड बी द करेक्ट एंट्री सो कैश रिसीव फ्रॉम सेनू की एंट्री आएगी कैश टू सेनू अमाउंट कितनी बता रहे कैश टू सेनू अमाउंट कितनी बता रहे एट नाइनटी फाइव एंड एट नाइन्टी फाइव रॉन्ग एंट्री क्या हो गई रॉन्ग एंट्री क्या हो गई तो so वो बता रहे कैश 895 सेतु सेतु अकाउंट अब कितना गया सेतु अकाउंट में तो सेतु अकाउंट में जाएगा 895 नाइनटी फाइव टू वॉट नो क्रेडिट अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करेंगे आप रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करेंगे सो रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी सेनु टू सेतु अल्लाह मैंने गड़बड़ लिख दिया टू सेतु 895 एंड टू सेनु 895 डेबिट किसको कर देंगे बेटा जी सस्पेंस अकाउंट जिसका कोई नहीं है उसका कौन है सस्पेंस अकाउंट एंड इफ आई हैव टू कैलकुलेट इट इज 895 प्लस 895 इट विल टर्न आउट टू 1790 1790 कोई क्वेरी यहां तक से बताओ कोई क्वेरी है क्या बिल्कुल सही जवाब सस्पेंस टू सेतु टू सेनू राइट कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द इट नो इनवॉइस वॉज मेड आउट हुल मी वॉट हैजपन्ड हमने कस्टमर को माल डिस्पैच कर दिया बट इनवॉइस नहीं बनाया इनवॉइस नहीं बनाया तो याद रखिए आप कि होता क्या है सेल्स बुक में जब कभी भी आपको किसी चीज की एंट्री करनी है तो उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है इनवॉइस अगर इन्वॉइस नहीं बनाया तो सेल्स बुक में एंट्री नहीं होगी सेल्स बुक में एंट्री नहीं होगी सो so, उस केस में हम क्या करेंगे बेटा जी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री किस तरीके से बनेगी नो सर no मतलब क्या है न, मुझे एक बार बताओ मैं भूल गया यार नो no सर मतलब क्या मैंने पूछा एनी क्वेरी उसके लिए नो सर बोले या क्वेरी है मुझे ऑफिस एक बार बता दो ना मेरे को समझा नहीं आपने नो सर क्या बोला बट एनी विचवेस तब तक मैं इसका आंसर गुड्स वर्थ रुपीज फोर्टीन हंड्रेड व डिस्पैच टू कस्टमर तो इसके एंट्री हमें करनी पड़ेगी कस्टमर टू सेल्स डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी कस्टमर टू सेल्स कस्टमर टू सेल्स अकाउंट कितना आएगा राजा बेटा जी इट विल बी फोर्टीन हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड कस्टमर टू सेल्स यस निकुम बिल्कुल सही साक्षी यादव बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी थैंक यू सो मच सो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट राइट कैन बी गो एट यहां पर गुड्स वर्थ रूपीज सिक्सटीन हंड्रेड परसेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक एट द क्लोज ऑफ द ईयर ठीक है वेरी गुड थम्स अप द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वॉज ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल एक्चुअली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की कोई जरूरत ही नहीं है यहां पर एंट्री नहीं की है तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी अब आपको यह बहुत जरूरी हो जाता है कि एंट्री कैसे करते वो आप बताइए मुझे इस केस में आपने क्या एंट्री करनी है मुझे जल्दी से बताइए गुड्स वर्थ हंड्रेड कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक एट द क्लोज ऑफ द ईयर सो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में नो एंट्री डन बिल्कुल सही गौरव रहेजा बिल्कुल सही so of of sale, so तो व्हाट इज द एंट्री यू आर गोइंग टू मेक यू आर गोइंग टू मेक द एंट्री ऑफ रिवर्सल ऑफ द सेल सो आपकी एंट्री आएगी सेल टू कस्टमर सेल टू कस्टमर कितने की एंट्री करेंगे आप 1600 1600 ये आपको अभी तक सिखाया नहीं है इसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक है जब वो सेपरेट टॉपिक होगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा तो एंट्री क्या आएगी सेल टू कस्टमर और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट सो बॉयज एंड गर्ल्स कैन आई नॉट राइट डाउन इसकी एंट्री आनी चाहिए थी दो एंट्रीज आएगी सेल्स टू कस्टमर एंड मेरे राजा बेटा जी नेक्स्ट एंट्री आएगी स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट ओके बट ये जो सेल रिवर्स होगा सेल वैल्यू पर रिवर्स होगा और ये जो आएगा वो कॉस्ट पर आएगा सो so मैं आपसे पूछता हूं सेल वैल्यू कितनी है तो सेल वैल्यू है बेटा जी 1600 हंड्रेड सो बेटा जी आई विल राइट डाउन 1600 से तो ये कस्टमर रिवर्स हुआ और उन्होंने बोला 20 परसेंट प्रॉफिट ऑन सेल सो सिक्सटीन हंड्रेड माइनस ट्वेंटी परसेंट विल टर्न आउट टू वन टू एट जीरो एंड विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स ये स्टॉक विद कस्टमर की एंट्री हो गई नो है सैयद ओवेस एम आई राइट क्या बोला बेटा आपने पी एंडल एडजस्टमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बेटा अभी थोड़ी सी देर रुक जाओ मैं आपको बताऊंगा कि यह पीएंडल एडजस्टमेंट में क्यों जाता है यह सब चीजें लॉजिकली बतानी पड़ेगी ये समझ में आए क्या आगे बढ़ते रुपीज सिक्स हंड्रेड ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू दायल बैलेंस ना मुझे बताओ मिस्टर ड्यू फ्रॉम रुपीज सिक्स हंड्रेड ड्यू फ्रॉम क्यू हमको पैसे रिसीव होने के हमें पे करने पहले ये बताओ वेदर वी आर सपोज टू रिसीव और वेदर वी आर सपोज टू पे जो एंट्री है मैं वापस रिपीट कर देता हूं ये वाला जो है ना आपके सिलेबस में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये आगे कंप्लीट होगा बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एर में आया और क्योंकि यह एग्जामिनेशन क्वेश्चन है तो मैंने सोल्व कर रहा हूं अगर यह नहीं समझ में है तो चिंता मत कर एकदम आ, एकदम ही एकदम इजी एंट्री है ये एंट्री एकदम आसानी से तुम कर पाओगी कोई बड़ी बात नहीं है सो मेरे पर भरोसा रख ये आराम से आ जाएगा तुझे ये गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ये जो टॉपिक है उसके अंदर हम ये डील करेंगे तो ये आराम से आ जाएगा तो आप सभी लोगों ने ये बताया मुझे 600 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू ये रिसीव करना है वेरी गुड अब मुझे बताओ किसी व्यक्ति से पैसा रिसीव करना है तो उसको कौन सा बैलेंस होता है किसी व्यक्ति से पैसा रिसीव करना है तो उसको कौन सा बैलेंस होता है किसी व्यक्ति से रिसीव करना होता है तो मुझे बताइए तो कौन सा बैलेंस होता है वेरी गुड डेबिट बैलेंस टाइम लगेगा नलायक डेबिट बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस विजय जैन साहब ये अगर आपको एंट्री नहीं पता है तो उसकी चिंता मत करिए एंट्री आपके आगे होगी तब तक आपको ये पेंडिंग रखना पड़ेगा इसको डेबिट बैलेंस होता है जो बच्चा डेबिट बैलेंस बोल रहा है वो बिल्कुल सही है इसको डेबिट बैलेंस होता है बेटा जी जब हम बोलेंगे कि ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू सो इट इज अ रिसीवेबल बैलेंस रिसीवेबल बैलेंस मतलब इसको डेबिट बैलेंस आएगा अब उन्होंने ये बोला वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस गलती से ट्रायल बैलेंस में ले गए नहीं सो so बेटा जी हम क्या करेंगे इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्यू को डेबिट बैलेंस हो गए और भूल गए तो क्यू को डेबिट कर देंगे कितने से डेबिट कर देंगे राजा बेटा जी सिक्स और टू क्या कर देंगे सस्पेंस अकाउंट और ये अमाउंट आ जाएगी सिक्स हंड्रेड क्यू टू सस्पेंस सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड नाव यू मस्ट बी आस्किंग मी अ क्वेश्चन सर व्हाई सस्पेंस आई विल एक्सप्लेन यू इन अ शॉर्ट वाइल थैंक यू सो मच ओसिस भाई सो क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट आएगी एट सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एप्रिशिएट दिस गोड नेक्स्ट सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर थ्री थाउजेंड वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन वॉट शुड बी द एंट्री फॉर दिस सेल टू मिस्टर आर वॉज ओमिटेड टू रिकॉर्डेड क्या एंट्री करोगे सुन रहा हूं मैं आर टू सेल्स अकाउंट आर टू सेल्स अकाउंट कितना आ जाएगा आर टू सेल्स अकाउंट ई नॉट से थ्री थाउजेंड और वर्ड है ठीक है वेरी गुड आर टू सेल्स थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड नाउ माय डियर फ्रेंड्स लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि अज्यूम करता हूं कि आपको पता है कि ट्रेडिंग पी एंडल अकाउंट आपको आता है ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं मतलब कम से कम उसका फॉर्मेट आता है सो so, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट में या एल अकाउंट में क्या क्या आइटम आते हैं जल्दी से मुझे बताइए पहले मुझे एल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम बताइए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम आते हैं जल्दी से मुझे बताइए तो मैं इधर क्या लिखूं वेरी गुड सो कैन आई नॉट से टू ओपनिंग स्टॉक परचेस टू कैरेज इनवर्ड टू कैन आई नॉट से फ्रेट कैन आई नॉट से बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक और इसके अंदर परचेस रिटर्न भी आता है सेल्स रिटर्न भी आता है तो यह सारे आइटम आते हैं क्या और फिर इधर आ जाता है जीपी वैसे ही बेटा जी फिर मैं इधर लेता हूं बाय जीपी ब्रॉड डाउन और फिर इधर लिखूंगा टू सैलरी टू इंटरेस्ट टू ट्रांसपोर्ट टू प्रिंटिंग राइट टू रेंट क्रेडिट साइड में बाय डिविडेंड बाय प्रॉफिट ऑन सेल टू डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड यर इट विल बी एनपी एंड यर इट विल बी वॉट नेट प्रॉफिट एग्रीड यह चीज समझ में अब बेटा मान लो मेरा नेट प्रॉफिट आया मेरा नेट प्रॉफिट आया टू थाउजेंड रुपीज या ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज अब मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं यह नेट प्रॉफिट मेरा कहां जाना चाहिए यह मेरा नेट प्रॉफिट यहां से कहां जाना चाहिए मैं आपसे पूछता हूं कि वेयर शुड द नेट प्रॉफिट गो फ्रॉम यर चलो देखते हैं आपको कितना आता है नेट प्रॉफिट यहां से कहां जाता है कैपिटल में एडेड वेरी गुड डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड कमीशन ये भी आइटम्स जाते हैं बेटा जी सो so, तुमने बताया मुझे बैलेंस शीट में जाता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूं उर्वशी बेटा आपने सही बताया बैलेंस शीट में हम लिखते हैं यहां पर कैपिटल और कई बार आपने देखा होगा कि यहां पर होता है पी एंड एल अकाउंट जो कैरी फॉरवर्ड होकर आएगा और ये ट्वेंटी थाउजेंड जाता है कई बार आपको ये कैपिटल में भी ऐड करना सिखाया या ये हम बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट में जाता है पी एंड एल अकाउंट एग्रीड, यस yes. अब बेटा जी अगर आपको पता है तो बैलेंस शीट में लिखा जाता है एज ऑन मतलब ये एज ऑन आज तक का पूरा रिकॉर्ड बैलेंस शीट में होता है बट जब एल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होता है तो ये लिखा जाता है फॉर द पीरियड एंडेड फॉर द पीरियड एंडेड एग्रीड मतलब पी एंड एल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट आप कभी भी देखेंगे या अगर किसी को पूछेंगे कि प्रॉफिट कितना आया भाई तो किसी एक साल का बताएगा एक महीने का बताएगा तीन महीने का बताएगा सो so, जो पी एंड एल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो फॉर द पीरियड होता है बट मेरे राजा बेटा जी जो बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन होती है ये बात आपको समझ में आई होगी अब रसगुल्ले मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे पूरे के पूरे जो भी प्रॉफिट है उसका पी एंड एल अकाउंट बैलेंस शीट में आप जाकर उसको लिखते हो कि भाई मेरा प्रॉफिट इतना है अगर मान लो मुझे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर मुझे पता चला कि सेल्स में गड़बड़ी है कौन से ईयर के ये मान लेते हैं ये 2020 का ईयर था 2020 में वैसे भी बहुत गड़बड़ी आती है 2021 में मुझे पता चलता है कि जबकि 2020 के मेरे अकाउंट्स फाइनल हो चुके हैं बट 2021 में मुझे पता चलता है कि हाई रब्बा जो सेल्स लिखा था वहां वो गलत लिख दिया था कौन से ईयर में 2020 में आई वुड लाइक टू रिपीट इट में जो सेल्स लिखा था वो गड़बड़ कर दी मैंने एग्रीड सो so, बेटा जी अगर मैं इसको रेक्टिफाई करता हूं मान लो सेल्स कम लिखा था so मैं इधर रेक्टिफाई करता हूं पार्टी टू सेल्स अगर मान लो ये ओमिटेड एंट्री में कर रहा हूं पार्टी टू सेल्स कितना लिख रहा हूं लेट्स टेक एग्जाम्पल थर्टी थाउजेंड का सेल्स बाकी है सो so, बेटा जी आपको नहीं लगता कि सेल्स अकाउंट जब मैं कर रहा हूं तो इस सेल्स का इंपैक्ट जाएगा ट्वेंटी में ना कि ट्वेंटी ट्वेंटी में मतलब कांड किया पिछले साल एरर किया पिछले साल और उस एरर को अगर मैं करंट ईयर में रेक्टिफाई करता हूं तो वो किसको हर्ट कर जाएगा मेरे 2021 के प्रॉफिट को हर्ट कर जाएगा या 2021 के सेल्स को अफेक्ट करने लगेगा और 2021 के सेल्स को क्यों अफेक्ट कराऊं मैं ये तो गड़बड़ हो रही है मेरे sales, मेरे से वो हिट हो रहे तो इसलिए जी, आपको समझना पड़ेगा कि मैं यह पूछूंगा कि पिछले बार का सेल्स गया इफेक्ट तो गया एनपी जीपी में।, जीपी में और एनपी का फाइनल इफेक्ट कहां गया मेरे राजा बेटा जी पी एल अकाउंट इन द बैलेंस शीट जिसको हम यह भी बोल सकते हैं एल एडजस्टमेंट अकाउंट सो राजा बेटा जी जब कभी भी आप नेक्स्ट ईयर का एरर रेक्टिफाई करते हो राइट right? मान लो ये 2021 है 2020 है वन वन ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी और ये अगला साल है थर्टी फर्स्ट 21 ट्वेंटी वन हुआ यहां पर और अगर वो रेक्टिफाई हो रहा है इधर तो बेटा जी ध्यान में रहे आपके जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट या पी एंड एल अकाउंट के आइटम है राइट उसको आपको चेंज कर सिर्फ नाम लिख देना पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब अगर मान लो आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में जैसे पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री मैं आपको लिए चलता हूं पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री फाइनल अकाउंट मैंने अभी आंसर देना बाकी है पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री में मैंने लिखा सस्पेंस टू परचेसेस मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं परचेसेस कहां जाता है जल्दी से मुझे बताओ अगर आपको यह चीज पता है तो जल्दी से मुझे बताओ कि परचेसेस कहां जाता है वेयर विल द परचेसेस गो तो तुमने सही बताया ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा आदित्य घाटगे ओमकार कुलकर्णी यू आर गिविंग मी द राइट आंसर कशिश देवानी बिल्कुल सही जवाब सो ये तुम क्या बता रहे हो मुझे कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा अब बेटा जी ट्रेडिंग को मैं चेंज कर कर इधर करेक्टिफिकेशन एंट्री लिख दूंगा जो कोई भी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला है या पी एंड एल अकाउंट में जाने वाला मुझे एंट्री कर देनी है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब जो भी आइटम ट्रेडिंग या पीएनडल अकाउंट में जाने वाला है उसको हटाकर क्या लिख देंगे पीएंडल एडजस्टमेंट अकाउंट तो राजा बेटा जी एक चीज प्लीज फील कर लो इधर मैं क्या बोल रहा हूं जरा फील कर लो कि यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा था जोशी ऑन ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 डिड नॉट एग्री द डिफरेंस वॉज पुट टू सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड मतलब अगले साल की बात कर रहे द फॉलोइंग were डिस्कवर्ड मतलब बेटा जी अगर अगले साल अगर ये एरर डिस्कस हो रहे हैं मतलब अगले साल ये रेक्टिफाई हो रहे हैं, बेटा जी हम उसको परचेसेस नहीं बोल सकते क्योंकि बेटा अगले ईयर में ये परचेसेस को हिट करेगा ये गलत जवाब है तो आपको एंट्री करना पड़ेगा सस्पेंस टू पी एंडल एडजस्टमेंट अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पर ये रही है आपके सामने रेक्टिफिकेशन एंट्री इसमें से कस्टमर अकाउंट एक है सेल्स अकाउंट एक है और सस्पेंस अकाउंट एक है मुझे बताइए इसमें से कौन सा आइटम पी एंड एल एडजस्टमेंट या सॉरी ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट में जाता है अगर आपको पता होगा तो जल्दी से मुझे बताइए कौन सा आइटम कौन सा आइटम आप मुझे बताइए ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट में जाता है अगर आप जितना आप जल्दी बताएंगे उतना जल्दी मैं आपको आंसर समझा सकता हूं तो सेल्स जाता है तो बेटा जी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो फाइनल आएगी वो आएगी कस्टमर अकाउंट डेबिट आई शेल राइट डाउन वन वन जीरो टू और फिर दूसरा मुझे लिखना है यहां पर सेल्स की जगह पे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 540 फोर्टी एंड टू आई शैल राइट डाउन सस्पेंस अकाउंट 1642 मतलब जब नेक्स्ट ईयर में आप एरर को रेक्टिफाई करते हो नेक्स्ट ईयर में आप जब एरर को रेक्टिफाई करते हो तब एरर को रेक्टिफाई करते होगा हो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि बेटा जी अगर ट्रेडिंग या पी पीएंडल अकाउंट का कोई आइटम है तो वो कहां चला जाएगा बेटा जी पी पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट में बॉयज एंड गर्ल्स अब अगर आपको समझ में आया है तो मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री ये कैसे बनेगी जल्दी से मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं कि क्या एंट्री बनेगी इसकी एंट्री क्या बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न बोलोगे टू सेल्स रिटर्न बोलोगे या सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट बोलोगे मैं आपके आंसर के लिए वेट कर रहा हूं राइट वेरी गुड यश निकुम बेटा जी परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न चेंज होकर बन जाएंगे क्या कैन आई नॉट से सस्पेंस to P&L adjustment account. Very good, Aditi. Aditi, beta ji, bilkul sahi jawab. Or amount ho jayegi five ninety, five अब मैं आपको यहां से पूछ रहा हूं इस एंट्री में मुझे बताइए कि क्या कोई अमाउंट पीएनएल एडजस्टमेंट में जाएगी क्या मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री में क्या कोई अमाउंट पीएनएल एडजस्टमेंट में जाएगी क्या बताओ शाम अकबरी कोई बात नहीं बेटा जी मुझे आशा है कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि अच्छे से हेल्प कर कर और आप पास हो जाएंगे तो इसकी एंट्री क्या करेंगे ये तो सस्पेंस टू पीएडल इसमें कोई भी आइटम सस्पेंस टू सेतु टू सेनु कोई भी आइटम पेंडल एडजस्टमेंट में जाएगा क्या नहीं जाएगा नहीं जाएगा नो दे विल नॉट पुट एनीथिंग इन टू पी एंडल एडजस्टमेंट अकाउंट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्योंकि जब आप सेतु लिखते हो सेनु लिखते हो तो बेटा जी पर्सनल अकाउंट है और सस्पेंस अकाउंट का बेटा अभी मेरे को बताना बाकी है सस्पेंस अकाउंट का भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट केस में एंट्री क्या बनेगी नेक्स्ट केस में एंट्री क्या बनेगी तो इस केस में एंट्री ऐसे बनेगी कस्टमर टू एल एडजस्टमेंट अकाउंट कस्टमर टू पी एल एडजस्टमेंट अकाउंट इट इज फोर्टीन हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड आई होप ये आपको समझ में लेट मी आस्क यू इन दिस केस अगेन द एंट्री इज वेरी सिंपल एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट सिक्सटीन हंड्रेड टू कस्टमर अकाउंट सिक्सटीन हंड्रेड लेट मी सी हु विल टेल मी बेटा जो स्टॉक विद कस्टमर है ना ये बैलेंस शीट आइटम है स्टॉक विद कस्टमर ये बैलेंस शीट आइटम है प्लीज समझो राइट इन्वेंट्री टॉपिक में हम समझेंगे इसको कि स्टॉक विद कस्टमर ये बैलेंस शीट आइटम क्यों है सो so बेटा जी स्टॉक विद कस्टमर एज इट इज रहेगा स्टॉक विद कस्टमर बट अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पे क्या लिखूंगा टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट वन टू एट जीरो वन टू एट जीरो Talk with customer to pay and adjustment account. You will write down one two eight zero one two eight zero. और लास्ट की एंट्री में कोई बदलाव आएगा क्या लास्ट की एंट्री ये जो एंट्री है इसमें कोई बदलाव आएगा क्या नो देर इज नो चेंज एज इट इज रहेगा एज इट इज नेक्स्ट ईयर में भी आर टू सेल्स की एंट्री क्या करेंगे बेटा आर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी आर टू पी एंडल एडजस्टमेंट इट विल बी सो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया कि बेटा जी जहां पर भी आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया कि जहां कर भी ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट का आइटम आया तो उसकी जगह पे आप क्या शब्द यूज कर दोगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ये शब्द यूज करोगे और वो आपका टैली हो जाएगा आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार कोई क्वेरी होगी तो जल्दी से मुझे इतना करिए ताकि मैं आपकी बात सुन सकूं और समझ सकूं और फिर आगे ले जाऊं और राइट परफेक्ट अब आपने मेजॉरिटी ने कहा कि कोई नो no क्वेरी है सो so, मैं अभी आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से सुनिएगा इतमिन से सुनिएगा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ठीक है लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड वॉट इज दिस कॉन्सेप्ट सपोज मैंने ऐसे बोला सस्पेंस अकाउंट गया मैंने ऐसे बोला कि अनुज कुमार सिंह को मैंने सेल किया तो so मेरी एंट्री आएगी अनुज टू सेल्स अनुज टू सेल्स कैन आई नॉट राइट डाउन फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड ओके फिर बेटा जी मैंने नेक्स्ट एंट्री की भावना टू सेल्स ठीक है कोमल अग्रवाल बेटा तुम्हारा क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहा हूं भावना टू सेल्स केन आई राइट डाउन टू थाउजेंड टू थाउजेंड अब बेटा जी मैं आपको बताता दू इसका अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो अनुज अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू सेल्स प्लीज फील करते जाओ फाइव थाउजेंड और बेटा जी आपके भावना अकाउंट में आएगा टू सेल्स टू थाउजेंड और इधर आ जाएगा सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय डेटर्स कैन आई नॉट से इट विल बी हाउ मच सेवन थाउजेंड क्या सभी बच्चों को यह बात पता है क्या मुझे बताइए क्या यह बात पता है क्या मुझे बताइए मुझे बताइए क्या आपको यह चीज यहां तक क्लियर है क्या यह मैंने कुछ नहीं किया मैंने एंट्री कर, कर आपको बताया कि इनकी पोस्टिंग इस तरीके से होती है क्या आपको यह सब चीजें पता है अब बेटा जी जब इसका ट्रायल बैलेंस बनेगा तो सही में ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से बनेगा राइट सो ट्रायल बैलेंस बनता है अनुज अनुज को डेबिट बैलेंस है तो मैं लिख दूंगा फाइव थाउजेंड अनुज फिर मैं इधर लिख दूंगा भावना भावना का मैं लिख दूंगा टू थाउजेंड और टू सेल्स अकाउंट मुझे लिखना पड़ेगा और ये आ जाएगा सेवन थाउजेंड रियल लाइफ में सब कुछ सही होता तो कुछ इस तरीके से ये काम होता सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड की टोटल से सो so, मतलब अभी तक अगर आपने प्रोसेस सही से समझी है so बेटा जी क्या होता है पहले जी सब्सिडी बुक होती है सब्सिडी बुक या जर्नल होता है उसके बाद में आता है बेटा जी ट्रायल बैलेंस सॉरी ट्रायल बैलेंस नहीं फिर होती है पोस्टिंग पोस्टिंग किसके अंदर होती है लेजर के अंदर और लेजर के बाद में हम जाते हैं बेटा जी ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस में हम सिर्फ उसको अमाउंट डाल देते तो हमेशा लेजर से हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते हैं बट कई बार क्या होता है कि लेज़र से ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते करते हम गड़बड़ी कर देते लेज़र से ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते करते हम गड़बड़ी कर देते और इधर मैंने कर दिया इधर मैंने कर दिया 700 और इधर आ गया 700 और इधर आ गया 7000 मुझे बताओ क्या ऐसा होना मुमकिन है कि नहीं है प्लीज टेल मी सेल्स बुक की टोटल अगर गड़बड़ हो गई तो सात हजार की जगह पे सात सौ क्यों नहीं आ सकता आ सकता है बिल्कुल क्या ये गड़बड़ी मुमकिन है या नहीं है पहले मुझे बता दो क्या ये गड़बड़ी मुमकिन है कि नहीं है मुझे ये बात बता दो तो जल्दी से मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं और अगर आप ये चीज समझ में आ गई आपको कि भाई ये गड़बड़ी हो सकती है तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको पूछ रहा हूं आप लगे तो उसका भी आंसर देना आपको क्या लगता है अकाउंट्स बनाने का काम होगा अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में तो एक दिन में हो जाता है या उसको मल्टीपल दिन लगते होंगे जल्दी से मुझे बताना एक दिन में अकाउंटिंग हो जाएगा या मल्टीपल दिन में अकाउंटिंग होगी तो तुम्हारा आंसर आ रहा है कि सर यह गड़बड़ बिल्कुल हो सकती है फिर मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा कि एक दिन में अकाउंटिंग होती होगी या मल्टीपल दिन में अकाउंटिंग होती होगी आपको मुझे इसका आंसर देना है अगर आप यह आंसर दे दिए तो आप लॉजिकली समझ जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं अभी ये yes, तुमने कहा मल्टीपल डेज तो अब होगा क्या कि अगर मान लो आज रात को आदमी कोई बैठकर अकाउंटिंग कर रहा था और वो इस ट्रायल बैलेंस को टैली कर रहा था और तेरी ट्रायल बैलेंस तो टैली नहीं हो रहा है अब टैली नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा वो कहीं डिफरेंस लिख कर जाएगा येस yes. क्योंकि बेटा जी जब टैली नहीं होगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देना तो फिर कल आओगे कल वापस जीरो से चालू करना पड़ेगा अरे कितने से टैली नहीं हो रहा था पता करो याद करो याद नहीं है तो उससे बेटर क्या है कि आप यहां पर सस्पेंस अकाउंट नामक एक अकाउंट बना सकते हो और वो कर सकते हो सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड इससे यह पता चलता है कि अब हमें छे हजार तीन सौ के एरर निकालने हैं छे हजार तीन सौ का एरर कुछ तो हुआ है और उस एरर को अभी मुझे ढूंढना है इसलिए आप सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करते हो बट सस्पेंस अकाउंट की खास बात यह है कि ट्रायल बैलेंस से लेजर में जाता है यह कहां से जाता है ट्रायल बैलेंस से यह एंट्री मारता है लेजर में अभी तक तो क्या हो रहा है लेजर से ट्रायल बैलेंस में आइटम आ रहे थे बट जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तब आप सस्पेंस अकाउंट बनाते हो और सस्पेंस अकाउंट जाकर लेजर में खुल जाता है अब किसी बच्चे ने मुझे पूछा कि सर विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट और विदाउट ओपनिंग आई कैन से विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट ये क्या माजिरा है तो बेटा जी अगर आपने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई हम सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल अकाउंट है ना कोई एरर थोड़ी ना है मतलब कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी ना है आपने नहीं बनाया आपका तो यहां पर ऐसे ही दिख रहा है जी सात ये टैली नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे अगर आपको रेक्टिफाई करना है सो तो आप विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट अगर आपको एरर रेक्टिफाई करना है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट अगर आपको एरर रेक्टिफाई करना है तो आपको यहां पर पता है कि सेल्स को फिगर कम गया तो आप लिख दोगे टू सेल्स और कितना लिख दोगे डेबिट कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि जैसे ही आप सेल्स के फिगर को बढ़ा दोगे यहां पर सेल्स हो जाएगा वो टैली हो जाएगा क्योंकि सस्पेंस अकाउंट जब पहले ओपन ही नहीं किया था तो जब सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं किया था तो अब मैं डेबिट क्यों करूंगा बट विद सस्पेंस अकाउंट बोला अगर आफ्टर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट ऐसा बोला तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी बेटा जी सस्पेंस टू सेल्स कितना अमाउंट हो जाएगा 6300, 6300 मतलब कुल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि उसने सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन किया तो वो क्या कर रहा है व्यक्ति कि मान लो उसको सुबह एरर मिला तो वो बोला कि सस्पेंस अकाउंट क्यों निकालते बनाते बैठू एक काम करेगा वो एरर उसने कहीं तो लिख दिया अमाउंट इतनी अमाउंट किया और फिर वो एरर ढूंढने लगा जैसे ही उसको एरर मिला वो वन साइडेड एरर था उसने उतना एरर रेक्टिफाई कर दिया बात खत्म हो गई सस्पेंस अकाउंट जब ओपन ही नहीं किया तो उसको रिवर्स करने का सवाल नहीं है बट जैसे ही हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिए तो सस्पेंस अकाउंट को फील करना कि वो बेटा जी आ, कोई एरर है और उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी सस्पेंस टू सेल्स बोलना पड़ेगा क्या ये बात समझ में है क्या? यस नैंसी बंसल इफ द अमाउंट इज डिफरेंट ओनली देन सस्पेंस अकाउंट कम एग्रीड तो मुझे बताइए क्या आपको समझ में आया क्या विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट मतलब उन्होंने सस्पेंस अकाउंट यहां पर ओपन ही नहीं किया मतलब ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया तो रेक्टिफाई करना है तो सिर्फ सेल्स को रेक्टिफाई करना है बस बात हो गई खत्म विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स लिख दो बात खत्म और सेल्स अकाउंट में क्या लिखोगे बाय रेक्टिफाइंग दी एर ऐसे लिखोगे इससे तो सेल अकाउंट कम का मोरा रे गधेड़े सेल को क्रेडिट बैलेंस होता है जब तू और क्रेडिट करेगा तो बढ़ेगा ना और ये वाला भी समझ में आएगा कि विद सस्पेंस अकाउंट अगर आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया तब आप एंट्री क्या करोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हाट सेल्स अकाउंट यस yes, निकुम आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा यस yes, हमें एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा कि क्या एरर हुआ था वो हमने रेक्टिफाई किया बट वो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर पार्ट एग्रीड सो नाउ लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स हम एक हाथ क्वेश्चन और देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे सो वी आर देयर ऑन वॉट अगर लेजर में ही पता चल जाता है एरर एर का तो भी सस्पेंस सस्पेंसक ओपन किया जाता है क्या नहीं बेटा जी फिर तो रेक्टिफाई कर दो ना फिर तो रेक्टिफाई कर दो डिसऑनर्ड की एंट्री कैसे सॉल्व की जाती है बेटा डिसऑनर्ड में यू हैव टू डू एग्जैक्टली उल्टा एंट्री यू हैव टू डू एग्जैक्टली उल्टा एंट्री ओके मतलब जो जब आपको मिला था उस समय के हिसाब से उल्टा एंट्री आपको करना है जैसे चेक मिला था तो आपने एंट्री क्या की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी तो जब डिसऑनर हो जाता है तो आपकी एंट्री होती है पार्टी टू बैंक देखो जब ऐसा बोला बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं अभी आपको बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस तो आप मुझे सोच के बताओ क्या इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है अगर आपको फ्लो समझ में आया तो आप मुझे जल्दी से बता दोगे क्या सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे जल्दी से बताओ बी बी वेरी क्विक आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर नहीं हुआ वेदांती बिल्कुल सही नहीं हुआ है सस्पेंस अकाउंट क्यों क्योंकि सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस अकाउंट ओपन होता है ट्रायल बैलेंस है तो बोला कि सेल्स बुक फॉर नवंबर इज अंडर कास्ट बाई टू तो मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बताई मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बताई मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री यही बताई ना सस्पेंस टू सेल्स टू बट बेटा जी जब सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ ही नहीं है सस्पेंस लिख ही नहीं सकते तो ये कैंसिल गया सो so, एंट्री क्या बनेगी टू सेल्स टू सेल्स मतलब क्या सेल्स को करना होगा सिर्फ क्रेडिट तो बेटा जी अब आप पढ़ेंगे no लिखने की जरूरत है सेल्स अकाउंट इज टू बी करेक्टेड दिस विल बी डन बाय मेकिंग एन एंट्री फॉर टू हंड्रेड ऑन द क्रेडिट साइड बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक फॉर नवंबर टू हंड्रेड इस केस में आपने क्या

राइट right? उसकी जगह पे सिर्फ क्या आएगा बेटा जी जो क्रेडिट करना आइटम वो क्रेडिट कर दीजिए जो आइटम डेबिट डेबिट करना वो कर दीजिए सस्पेंस का नाम नहीं आएगा आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल आर जब ये आता है तो क्या आप इसमें सस्पेंस अकाउंट का प्रयोग कर सकते हैं मुझे जल्दी से बताइए अगर इस केस में बी वाले पॉइंट में क्या हम सस्पेंस को यूज कर सकते हैं क्या बी पॉइंट में मुझे जल्दी से बताना और पॉइंट नंबर सी में आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इसके अंदर हमें क्या करना है मुझे जल्दी से बताइएगा इसके अंदर हम क्या करें तो इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं यस yes, इसमें सस्पेंस अकाउंट कैन बी यूज डोंट यूज सस्पेंस यहां पर डोंट यूज सस्पेंस और यहां पर क्या आएगा आपको अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में अगर आप रेक्टिफाई कर रहे हैं सो ट्रेडिंग पी एंडल अकाउंट के आइटम कहां जाते हैं पी एंडल एडजस्टमेंट अकाउंट ध्यान रहे जो कोई भी फिक्स्ड एसेट आइटम है जो कोई भी वॉट आई कैन से रियल अकाउंट है जो कोई भी पर्सनल अकाउंट है वो सारे के सारे नेक्स्ट ईयर में एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होते हैं जो सिर्फ नॉमिनल अकाउंट है जो एक्सपेंस अकाउंट है जो इनकम अकाउंट है जो ट्रेडिंग पी एंडल अकाउंट में जाते हैं सिर्फ उन्हीं को आप कैंसिल करके कर क्या लिखते हो नेक्स्ट ईयर में पी एंडल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हो यस सर नो तो आशा करता हूं कि अभी एबीसी ये पूरे चैप्टर का सारांश है मतलब ये जो चीज है ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एर ये जो सारांश है ये सारांश मैंने पूरा अभी एक तीन लाइनों में आपको क्लियर कर दिया कि कहां पर क्या किस तरीके से करना है और एंटर्ड होता है मतलब पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ही गलत गया जब पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड ये होता है तब आपको समझना है कि करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी होती है लेट मी सिलेक्ट अ रैंडम क्वेश्चन बाई यू ऑल चलो जल्दी से मुझे बताओ How would you rectify the following error in the books of Rama and Company? The total of the purchase book has been undercast by rupees hundred. Jaldi se mujhe batao, rectification entry kya I am waiting for you all. The total of the purchase book has been undercast by rupees hundred. I am waiting for your answer. Please give me the answer. Be quick. So, iske entry mein wait kar entry. Purchase to suspense. Ye maine thi हंड्रेड हंड्रेड वेरी गुड अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर इसको हमको रेक्टिफाई करना है बिफोर ट्रायल बैलेंस ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस की हो गई आफ्टर टीबी की बिफोर टीबी की मुझे एंट्री बताइए बिफोर टीबी की एंट्री बता दीजिए और आफ्टर फाइनल अकाउंट की भी एंट्री बता दीजिए तो बिफोर टीबी की एंट्री क्या बिफोर टीबी की एंट्री क्या आएगी जल्दी से फुर्ती से बताइए बिफोर टीबी की एंट्री क्या आगे? मैं वेट कर रहा हूं वेरी गुड आई एम प्राउड ऑफ यू संस्कार वेंकटा तुमने बाय नहीं आएगा बेटा बाकी सब सही है ओंकार कुलकर्णी बिल्कुल सही ओनली डेबिट टू परचेस अकाउंट सो परचेस अकाउंट हो जाएगा सिर्फ डेबिट परफेक्ट गॉड ब्लेस यू ऑल अब मुझे बताओ अगर फाइनल अकाउंट बन चुके और उसके बाद में रेक्टीफाई कर रहे हो तो इसकी एंट्री क्या आएगी जल्दी से फुर्ती से बताओ अगर फाइनल अकाउंट बन गया और उसके बाद में रेक्टीफाई कर रहे हो तो एंट्री क्या आएगी वेरी गुड ओमकार कुलकर्णी यू हैव डन अ ग्रेट जॉब सो हम उसके इसमें एंट्री करेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्या एंट्री करेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट पी एंड एल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस अकाउंट Have you all done स अकाउंट अब मैं आप सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कल कितने बच्चों ने होमवर्क किया कि मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल के सारे प्रॉब्लम आपको देख के आने तो कितने बच्चों ने मॉड्यूल के सारे प्रॉब्लम देख के आए वो जल्दी से मुझे बताओ कि जब तक आप ये नहीं करोगे तो आपको क्लियर नहीं होगी चीजें और यह देख लेते इसका आंसर उन्होंने भी यही बोला तो परचेस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा क्या वो डेबिट करना पड़ेगा तो अगर आपको कोई क्वेरीज है तो मुझे बताना क्योंकि आज तो छह बज गया अभी रात सर का लेक्चर शुरू होने वाला है आज शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आई हमारे कुछ सेटअप में गड़बड़ी कर दी किसने तो उसकी वजह से टाइम लगा बस आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बेटा मैं इंसान हूं एक और टीचर बाद में हूं पहले एक इंसान हूं मुझे भी भावनाएं हैं मैं अननेसेसरीली किसी भी बच्चे के सामने गलत बात नहीं करता ना कोई गलत बात करता हूं मैं मेरे पढ़ाने से पढ़ाना काम रखता हूं ना कभी मैं किसी को बोलता हूं कि आप मेरी आकर क्लास ज्वाइन करो मैंने मेरे श्रीमुख से कभी नहीं कहा कि आप मेरी क्लास ज्वाइन करो मैं सिर्फ ये बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं मेरे काम के प्रति हंड्रेड एंड टेन परसेंट ईमानदार रहता हूं मुझे ये बताओ ये कहां तक आपकी नीति सही है या उन लोगों से भी मैं बोल रहा हूं कि जो स्पैम करते रहते कंटिन्यूसली यूट्यूब चैनल पर स्पैम करते रहते कंटिन्यूअसली मुझे बताओ कहां तक की लॉजिकल नीति है मैं अफेक्ट नहीं होता इनसे बट मुझे बताओ कहां तक की सही नीति है कि आप किसी भी व्यक्ति को जाके कुछ भी बोल दो अरे यार यहां पर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें क्या मालूम है

थोड़ी ना तू मेरे लिए भगवान से ऊपर से आया कि भाई मैं तेरे को रहूंगा तो ही पास कराऊंगा तो कर जहां से करना है तुझे तुम ऐसे शब्द क्यों यूज करते हो यार आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता बट कुछ कारणवश चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा Uh, इस चैप्टर को अभी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी राज सर का लेक्चर है तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कल इसकी थेरी भी कल हमको पढ़नी पड़ेगी एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर ऑफ कमीशन क्या होता है राइट कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे कल